और फिर वो पैगाम हर किसी के समझ में नहीं आने वाला। सलाम मोहतरमा, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद फरमाया है। शहंशाह ने हमें याद किया, मगर क्यों? साकिरा, कहीं उन्हें शक तो नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ तो हम एक और मौके का इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी शहंशाह का काम तमाम कर देंगे। आदाब शहंशाह, आपने कनीस को याद फरमाया? वाकई आप में बहुत सारे हुनर हैं। हुजूर ने आजमाइश का मौका ही नहीं दिया। चलिए आज देते हैं। ये पैगाम आपने अपनी अम्मी जान को लिखा है? जी हाँ। और क्या आप बता सकती हैं ये किस जुबान में लिखा है? जी, अवधी में हुजूर। अवधी में क्यों? जब आप मुसलमान हैं, काबुल से हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। शिवानी, तुम दिन पर दिन बहुत हटी होती जा रही हो। इतनी ठंड में भारी तुम्हें तेल लगवाना था। अंदर कक्ष में भी तो लगवा सकती थी ना? नहीं जीजी, कक्ष में ऐसा आनंद कहाँ। इतना सुंदर बाग, खुला आकाश, सितारों के बीच कितना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम गिनती रहो तारे, और जब गिनती पूरी हो जाए तब हमें बता देना। वैसे जीजी, सच कहे तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और आपको प्रसन्न देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब बातें करना बंद करो और तेल लगवा लो। जीजा सा, प्रणाम। जीजा सा। आदाब सारी सर। कमाल है, आपने आती हमारी जगह भी ले ली। वो कैसे? दरअसल इसी वक्त हर रोज आपकी जीजी हमारे सर की मालिश करती। हे अम्मे माँ, ये तो अपराध हो गया हमसे। लीजिए, हम आपके बैठने का स्थान खाली कर देते हैं। लीजिए जूधा बेगम, हम आ गए आपके पास। हर रोज की तरह आप हमारे सर की मालिश कर दीजिए। तेज मुझे अम्बे माँ के मंदिर के पास मिलने वाले हैं। यही अवसर है अनुमति मांगने का। जीजा सा, हमने सुना है कि आगरा में अम्बे माँ का मंदिर भी है। है ना, आपकी जीजी अक्सर वहाँ जाती हमारे साथ। कितना झूठ बोलेंगे आप। झूठ? तो क्या जीजा साहब के साथ मंदिर नहीं जाते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाते हैं, परंतु हर बार थोड़ी ना जाते हैं। अब देखिए ना साली साहब, आपकी जीजी कितनी जिद करती, कहती है कि हम रोज इनके साथ मंदिर जाएं, और हम कहते हैं कि हम शहंशाह हैं, हमारे पास हजारों काम है, हम नहीं जा पाते, तो हमसे खफा हो जाती है। जी जी, ये हट तो उचित नहीं है। शहंशाह को राजकाज के काम भी तो संभालने होंगे ना। जीजा सा, वैसे ये मंदिर कहाँ पर है? बस महल से थोड़ी ही दूर। हमें वहाँ जाना है। साली साहिबा, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों, हमारी बहन मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि फिलहाल वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अच्छा, मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं आप? बेशक जोधा बेगम, वो मंदिर आगरा में आता है, उसे बेहतर हाल में रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आराम से जोधा बेगम, आप हमारे बाल खींच रही हैं। अरे, हमने कब खींचे आपके बाल? जी जी, जीजा सा तो यूं ही छेड़ रहे हैं, आप भी ना। जीजा सा, वैसे किसी और को ना सही, परंतु हमें जाने की अनुमति तो मिल सकती है ना? नहीं शिवानी, मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ सिपाही तैनात है, इसलिए किसी को भी वहाँ जाने पर पाबंदी। हे अम्बे माँ, तेरे तो वही मंदिर में आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए, कैसे सावधान करूँ उन्हें? लगता है जोधा बेगम, आज आप हमसे खफा हैं, इसलिए आपके हाथ बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। इस मामले में बेनजीर के हाथ एकदम कमाल है। ये बेनजीर कौन है? हमारी खास कनीस है। क्या कहते हैं आपकी जुबान में? दासी। शिवानी, इसके हाथों में तो जादू है। जीजा सा, ऐसी बात नहीं है, हमारी जीजे से अधिक अच्छी मालिश नहीं करती होंगी वो। हाँ हाँ, देख रहे हैं आपकी जोधा जीजी की अच्छी मालिश,
जैसे ही हमने बेनज़ीर की जरा तारीफ क्या कर दी, इनके तो हाथ थम गए। जीजा साहब, क्यों बेकार में चला रहे जीजी को? और जीजी, आज तो अपने हाथों का कमाल दिखाई दो। ऐसी मालिश करना जीजा साहब कि वो बेनज़ीर को भूल ही जाए। हमने शहंशाह से भी बात करने का प्रयास किया, परंतु वो हमारी बातों को अनसुना कर देते। ऐसी क्या खास बात है भाभी जान? शरीफुद्दीन जी ने हमें एक पत्र लिखा था और उन्होंने हमें कैद खाने बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि शहंशाह के प्राण संकट में हैं। हम ये नहीं जानते कि शरीफुद्दीन के पास ये खबर कहाँ से है, लेकिन इस बात में सच्चाई जरूर है। कल बेनज़ीर का पैगाम भी शहंशाह को पहुँचा दिया गया था। बड़ा ही अजीब सा पैगाम था। का करूँ मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी। अनबन मोसे काहे जी, भीतर बसी हो जब तुम, हुई क्यों मैं बेगानी जी। आप फुलानी काहे मोहे, नहीं हर छूटा क्यों अम्मा जी। तिरनी बन वन वन भटके, हैरान तेरी बेटी भावरी। ये कैसा संदेश हुआ? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, अबुल माली। देखना ये है कि उसने क्या साजिश रची। चावेता जी, आप? प्रणाम। आदाब। आप हमारी मेहमान हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। दरअसल ना, गलती हमारी है। हमें याद है जब हम आमेर आए थे, आप सबने हमारा कितना ख्याल रखा था, और एक हम है ठीक से आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सके। माफ कर दीजिए ना। चावेता जी, आप इतनी प्यारी है, आपसे भला कोई रूठ सकता है क्या? इस बागीचे की अच्छे से जांच की जानी चाहिए। और इस बात का खास ख्याल रहे कि वो सांप वाला हादसा दोबारा ना हो। मिर्जा, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है ना यहाँ। आदाब। इस बार आदाब आप ही को कहा जा रहा है शिवानी साहब, अब आप प्रणाम कर सकती हो। हम कुछ समझे नहीं जी। दरअसल हुआ यूं कि पहले हमें लगा कि आप हमें आदाब कर रहे थे, इसलिए हमने कह दिया। और अब आप जब हमें आदाब कह रहे थे, तो हमें लगा कि चावेता जी से कह रहे हैं। पहली बार आप पर गौर ना कर पाने की गुस्ताखी, आपसे माफी चाहती। उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, माफी तो आपको मिल ही जाएगी। बहुत बड़ा दिल है हमारी शिवानी साह का। अब जोधा बेगम की बहन जो ठहरी, पता है आपको मिर्जा साहब, जब हम आमेर गए थे ना, बहुत सारे गुण देखे थे हमने शिवानी साह के। खाना तो बहुत अच्छा पकाती हैं, क्यों शिवानी? ये खाना कैसा पकाती है ये जानने के लिए तो इन्हें मैं आमेर बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ ये हमारी मेहमान है और इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। क्यों शिवानी जी, कब बुला रही हैं आप हमें? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ? आदाब भाभी जान। जी प्रणाम। हम तुलसी पूजा के लिए निकल रहे थे तो आप सबको एक साथ देखा। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ, कोई विशेष बात? दरअसल हमने शिवानी साहब को यहाँ अकेला देखा, इसलिए हम उनका साथ देने आ गए। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम इन्हें शाही बगीचे की सैर कराने ले जा सकते हैं? जी हाँ, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, जाओ शिवानी। देवर जी, आप कहाँ चले? जावेदा बेगम शिवानी को बगीचा दिखा देगी। हम? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप कहाँ शिवानी के पीछे पीछे जा रहे हैं? आप भी ना भाभी जान, आपकी बहन है वो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप शहंशाह के भाई हैं और शिवानी हमारी बहन है। मतलब हम कुछ समझे नहीं भाभी जान। परंतु हम सब समझ गए, हमने आपकी आंखें पढ़ ली हैं। बताइए, आप हमारी बहन शिवानी को छिपी दृष्टि से क्यों देख रहे थे? बात कह देवर जी। वो आपकी बहन बहुत खूबसूरत है भाभी जान। अच्छा, तो आपको हमारी बहन भाग गई है? हाँ, मगर आपकी शायरी का रंग चढ़ा नहीं है भाईजान पे अभी तक। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।